सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ में दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मिलती रहे हमारी सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो 7वां अध्याय है, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि इस अध्याय में आपको कर्मचारी जो उद्योगों में काम करते हैं उनसे संबंधित जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है दोस्तों, वो 5 घंटे की होती है आपकी क्लासेस में, और इसमें जो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय कारखाना अधिनियम में व्यवस्था है कि किसी कारखाने में एक महिला कामगार निम्नलिखित समय के बीच काम कर सकती है। तो दोस्तों, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, या फिर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो है कोई भी महिला किसी भी कारखाने में काम कर सकती है। इससे पहले और इससे बाद जो है किसी भी महिला से काम कारखाने में नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किसके मामले में हर्जाने की व्यवस्था करता है? कारखाने में काम करते समय आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो अपंगता की स्थिति में आपको जो है कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है हर्जाना मिलता है। तीसरा प्रश्न है, 14 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चों को कार्य करने की निर्धारित समय कितने घंटे की है? तो दोस्तों, 5 घंटे, 2.5 घंटे या फिर 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे से ज्यादा जो है किसी भी जो है बच्चे से हम जो है कार्य नहीं करवा सकते कारखाने में। ठीक है, जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है और 18 वर्ष से कम है। चौथा प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो 1948 में पारित हुआ था। पांचवा प्रश्न है, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1976, 71, 79 या फिर 75। तो दोस्तों, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना सन 1971 में लागू हुई थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान नहीं है? स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण, कार्य के घंटे, बीमारी प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिक को लाभ। तो बीमारी प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिक को लाभ, ये जो प्रावधान है ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में शामिल नहीं है। सातवां प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में कौन सा नहीं आता है? मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी से कटौती, आश्रितों के लाभ या फिर मजदूरी की अदायगी। तो आश्रितों के जो लाभ हैं वो मजदूरी भुगतान अधिनियम के उपबंधों में शामिल नहीं है। आठवां प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 किन किन कार्यक्षेत्रों में लागू किया जाता है? रेलवे, कारखाने, उद्योग, ये सभी। तो इन सभी उद्योगों में जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लागू किया जाता है। नौवां प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? दसवां प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान कर्मचारी का कुल देय मजदूरी का कितने प्रतिशत होता है? 2%, 4, 3 या 5। तो 4 या 4.75% जो है एक फैक्ट्री का जो मालिक है वो किसी मजदूर को तब देता है उसकी आय का, जब उसके साथ किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या कोई दुर्घटना हो जाए। ठीक है, 11वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद कारखाने में प्रत्येक श्रमिक के काम करने के लिए कम से कम कितने घन मीटर जगह होनी चाहिए? तो 6.6, 7.7, 8.8 या फिर 9.9। तो 9.9 मीटर जो जगह है वो प्रत्येक श्रमिक के लिए कारखाने में काम करने के लिए अवश्य होनी चाहिए। 12वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखानों जिन्हें श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी आवश्यक है उन कारखानों में निम्नतम कितने श्रमिक कार्य करते हों? 400, 500, 600 या 700। तो जहां 500 कर्मचारी कार्य करते हैं वहां पर श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करने की जो है आवश्यकता पड़ती है। 13वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखाने जहाँ शिशु को बनाने की व्यवस्था आवश्यक हो वहाँ निम्नतम कितनी श्रमिक महिलाएं कार्य करती हों? 10, 20, 30 या 40। तो दोस्तों, जहाँ पर 30 श्रमिक महिलाएं कार्य करती हैं वहाँ पर जो है फैक्ट्री में जो है नर्सरी, यानी कि जहाँ पर बच्चों को रखने की सुविधा होती है वो सुविधा होनी चाहिए। 14वां प्रश्न है, कारखाना अधिनियम का 4वां अध्याय किससे संबंधित है? सुरक्षा, कल्याण, मजदूरी के साथ वार्षिक घंटे या फिर स्वास्थ्य। तो दोस्तों, कारखाना अधिनियम का जो 4वां अध्याय है वो सुरक्षा से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, संशोधित कारखाना अधिनियम 1987 में अध्याय 4A किससे संबंधित है? व्यस्कों के काम के घंटे, युवकों की नियुक्ति, विशेष प्रावधान या फिर संकटमय क्रियाएं। तो वो संकटमय क्रियाओं से संबंधित है। 16वां प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम किसके मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है? अशक्तता,
सत्य अंत्येष्टि व्यय, प्रसूति व्यय या फिर बीमारी, तो क्षतिपूर्ति जो अधिनियम है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है, वो आपको अशक्तता के मामले में, यानी कि जब आप कोई कार्य करने के लायक नहीं बचते हैं, अशक्त हो जाते हैं, तो उस समय आपको क्षतिपूर्ति का जो है उसमें हर्जाना मिलता है। और श्रमिक क्षतिपूर्ति जो अधिनियम है वो 1923 में आया था। 17वां प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 निम्नतम कितने कर्मचारी होने पर लागू होता है? तो कर्मचारी राज्य बीमा जो 1948 है वो निम्नतम 10 कर्मचारी होने पर लागू होता है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम में दर्शाया गया है कि मजदूरी अवधि में अंतिम दिन के पश्चात मजदूरी का भुगतान नियत दिन के समाप्त होने के पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि संस्थान में 1,000 से अधिक कर्मचारी हैं तो नियत दिन कौन सा होगा? इसका मतलब है कि अगर संस्थान में 1,000 से अधिक कर्मचारी हैं तो उन्हें जो उनकी इनकम देनी है, जो उनकी सैलरी देनी है, तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? तो दोस्तों वो 7वां दिन होता है। 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो मिल जानी चाहिए। 19वां प्रश्न है, आमतौर पर एक व्यक्ति के वेतन से कटौती की निर्धारित सीमा वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत वेतन अवधि में राशि वेतन का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी किसी प्रकार का फैक्ट्री में कोई नुकसान कर देता है, या फिर किसी प्रकार की वो पॉलिसी लिए हुई है, कोई लोन दे रहा है बैंक को, तो उसकी सैलरी से मिनिमम कितने प्रतिशत जो है सैलरी काटी जा सकती है? तो दोस्तों उसकी 50% जो है वेतन काटा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उसका वेतन नहीं काट सकते, क्योंकि जीवन यापन के लिए भी जो है उसे पैसों की आवश्यकता है। 20वां प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्त श्रमिक की सेवा समाप्ति के कितना दिन की समाप्ति से पहले भुगतान कर देना चाहिए? यानी कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार ये कहा गया है कि जब व्यक्ति रिटायर होता है तो कितने दिन खत्म होने से पहले उसको पैसे मिल जाने चाहिए उसके पूरे के पूरे, तो दूसरे दिन से पहले, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है 20वें प्रश्न का, दूसरे दिन से पहले उसको उसका सारा पैसा मिल जाना चाहिए। 21वां प्रश्न है, एक बालक वह व्यक्ति है जिसने 13 वर्ष पूर्ण किए हों अपनी आयु के 14 वर्ष पूर्ण किए हों, आयु के 15 वर्ष पूर्ण किए, आयु के 16 वर्ष पूर्ण। तो एक बालक वह व्यक्ति है जिसने आयु के 14 वर्ष पूर्ण किए हों, ठीक है। 22वां प्रश्न है, CIRM का अर्थ है। 23वां प्रश्न है, छटनी किए गए श्रमिक को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के बदले कितने दिन की दर के अनुसार औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा? यानी कि अगर कोई कर्मचारी पूरे वर्ष बिना कोई छुट्टी लिए लगातार काम करता है तो उसे इनाम के तौर पर जो है कितने रुपए अधिक दिए जाएंगे? तो दोस्तों उसकी जितनी सैलरी है उसके 15 दिन के हिसाब से उसे 15 दिन का वेतन अधिक दिया जाएगा। 24वां प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो प्रधान कार्यालय है उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है, ठीक है। 25वां प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 उन पर लागू नहीं है जो निम्न अधिनियम से रक्षित है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कारखाना अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का लाभ उन्हें नहीं मिलता है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ ले रहे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए 25 प्रश्न ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।